अरे जोरदार ताली बजाइए करण के लिए, कम ऑन गाइस। कर्म से डके धर्म से आजाद, तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि आजादी क्या है, क्योंकि आजादी का मुद्दा ऐसा है आज से नहीं, हजारों सालों से लोग आजाद होना चाहते हैं। कई लोग अपने ग्रुप को लेकर आजाद होना चाहते हैं, कई इंसानों का। यस 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 यस। तो चलिए, जितने लोग यहां मौजूद हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, और करण माइक्रोफोन दीजिए प्लीज। करण जो क्वेश्चंस आए मेरे पास, ओहो माइक है, रेडी है करण। ये शमशेरा अपने आप में एक यूनिक नाम है, तो इसका बीच पॉइंट आपके जहन में कब आया, दिमाग में कब आया कि यार इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए और ये शमशेरा बिल्कुल परफेक्ट रहेगी? इसकी इंसेप्शन हुई थी जब मैं आदित्य चोपड़ा से पहली बार मिला था जी, एंड उन्होंने एक कोर आइडिया दिया था, शेयर किया था मेरे साथ, एंड उसको लेके मैंने और मेरी वाइफ एकता मल्होत्रा ने एक पूरा स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार की जी, एंड फिल्म का टाइटल जो है एकता ने सजेस्ट किया था और वहीं से आया, एंड दैट वाज द इंसेप्शन ऑफ शमशेरा। क्या बात है, वाणी कपूर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, कम ऑन गाइस। वाणी, आपने जितने भी कैरेक्टर किए हैं बड़े ही यूनिक रहे हैं, बड़े अलग रहे हैं, तो इस ये फिल्म करने का रीजन क्या था, कहानी में क्या ऐसी बात लगी कि यार ये फिल्म तो करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए? आई थिंक सर, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है बहुत ही लार्जर देन लाइफ है। मैं कभी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनी पहले, एंड सबसे बड़ा रीजन वॉज करण मल्होत्रा। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज प्रीवियस फिल्म्स, आई लव अग्निपथ। So for me, it was just a blessing in disguise. I get to work with Ranbir Kapoor, who's Sanjay Dutt sir, who, you know, everyone's work who I've been so inspired by and I truly admire. So I think it was a win-win situation for me. तो चलिए जी, 22 जुलाई को देखिएगा आप शमशेरा। लेकिन अब मैं जिसको बुलाने जा रहा हूँ, भाई करण के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और इस फिल्म में भी विलेन के रूप में आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां संजय दत्त, संजय बाबा के लिए जोरदार तालियां, कम ऑन संजय सर के लिए जोरदार तालियां, क्या बात है, दो विकेंड जोरदार तालियां। बाबा इतना एक्साइटमेंट है सब लोग, शमशेरा का जब से टीजर देखा है सिर्फ एक ही बात जहन में है, ये शुद्धि क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि करण के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं अग्निपथ में, उसमें विलेन अलग किरदार था, लेकिन इस बार बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा रणवीर है, तो क्या है इस विलेन में खास बात जो देखने को मिलेगा तमाम लोगों को? अभी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि करण अजीब विलेन क्रिएट करता है, ओके, और उसे क्या शौक है मुझमें के कमाल के विलेन देता रहता है। शूट सिंह जी एक बहुत क्लेवर, कनाइविंग और डेंजरस आदमी है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बाकी आप देखिए, आप इन्जॉय कीजिए शूट सिंह जी को और शमशेरा को और द ब्यूटिफुल वाणी एंड ऑफ कोर्स करण, इसको धूल मिट्टी बहुत पसंद है। क्या बात है, एंड आप बारी आ गई है आप सभी के बीच में जिसका इंतजार है, ये अपने आप में यूनिक कैरेक्टर, बहुत ही अलग अभी ट्रेलर देखने जा रहे हैं कुछ समय के बाद, तो आपका चहेता, हम सभी का चहेता, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शमशेरा के रणबीर कपूर, जोरदार तालियां शमशेरा, शमशेरा। क्या बात, ओहो रणबीर, कुछ समय के पहले मैं पूछ रहा था कि हमारा जो हीरो है इतना क्यूट है, इतना प्यारा है, इतना मासूम है शमशेरा, पिछली बार तो इन्होंने बहुत धो के मारा है हीरो को, इस बार संजू बाबा के साथ में आप इनका किरदार भी कर चुके हैं, बहुत यूनिक बात है, तो शमशेरा आपके हिसाब से पूरी फिल्म जो आपने की क्या महसूस किया, कौन है शमशेरा? सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरा बहुत बुरा दिन चल रहा है अभी तक, सुबह सुबह एक्चुअली मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, तो मेरे ड्राइवर ने मुझे इन्फिनिटी मॉल पहले लेकर गया, जहाँ बेसमेंट में हम ढूंढ रहे थे कोई था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, फिर जब इन्फिनिटी मॉल से बाहर आए तो किसी ने मेरी गाड़ी भी ठोक दी, ग्लास टूट गया, तो करण बोल रहा है कि ये अच्छी बात है, गुड लक, बहुत शुभ, आई होप ये ठीक ठाक जाए, बट टू आंसर योर क्वेश्चन सर, यू नो दिस मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी हैज बीन माय फर्स्ट आइडल, माय फर्स्ट हीरो, आई हैड अ पोस्टर ऑफ हिम इन माय कबर्ड, क्या बात है, देन आई गॉट टू नो हिम, यू नो ही इज बीन अ फैमिली फ्रेंड, देन ही इज, देन आई गॉट टू एक्ट एज हिम, आई गॉट टू पोर्ट्रे हिज लाइफ, एंड फाइनली आई गॉट टू फाइट विद हिम, you know, for him to be my nemesis.
The journey has just been unbelievable because he treats me like a son, he treats me like a friend, he treats me like a brother. You know, he calls me, he shouts at me if I'm not doing anything good, if I'm doing bad films. I remember jab main Barfi aur Rockstar kar raha tha, I used to work out in his gym. So every day he used to come down and says, yaar tu to 2 saal se mere gym mein aa raha hai, teri body kahan hai? Then he used to keep saying, ki tu ab Barfi kar raha hai, what is your next film? Peda, Laddu, tu kya kya film mein karega? So he used to keep instilling me that, you know, you should do, you know, more larger than life films, and you should do films which entertain a larger audience. And I really hope that Shamshera is a positive step towards that, and I really hope that everybody out here likes the trailer. Kya baat hai, please apna saan grant kijiye, kyunki ab trailer ki baari aa gayi hai. Teaser aap logon ne dekha hai और ये ट्रेलर अपने आप में बड़ा यूनिक होने वाला. मैं हमेशा लोगों से ये बोलता हूँ कि ट्रेलर एक ऐसा है तो जो एक आपको एक माहौल और एक मौका दे देता है कि भाई ये फिल्म कैसे होने वाली है, इस फिल्म में क्या होने वाला है.